Good morning, everyone. This is Karsten Ansari. In today's video, we'll be discussing about the remaining portion of the skull or the bones that forms the skull. So, अगर हम last class के बारे में थोड़ा discuss करेंगे, तो फिर last class में हमने discuss किया था कि last to last class में हमने skeletal system start किया था और कल वाले class में हमने axial skeletal system जो है discuss करना start किया था. और axial skeleton में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा blue color में जो यहाँ पे इस वाले diagram में है, जो आपका skull है या vertebral column है या rib cage है, ये सब जो है axial skeleton में आती है. तो फिर सबसे पहले हमने skull को discuss करना start किया था. As well as later on we'll be discussing about appendicular skeleton also. So last class में हमने skeletal system जिसमें सबसे पहले हमारे पास skull आता है उसके बारे में discuss करना start किया था. और हमने ये बोला था कि ये जो है 29 bones से बनी हुई होती है और ये पांच main different structure में divided है या different areas में divided है. इनको बोला था cranium, बोला था cranium में 8 bones होते हैं, facial bone होते हैं वो 14 bones से बने हुए होते हैं, hyoid bone होती है, ossicle of air होते हैं, worm bone होती है. हमने ये बोला था last class में. सबसे पहले cranium discuss किया था. cranium जो है जो हमारा brain case बना रहा है वो 8 bones से बनी हुई होती है और उन 8 bones के हमने places देखे थे कहाँ पे होते हैं और उनके नाम देखे थे और उनके functions देखे थे. So सबसे पहले हमारे पास था frontal bone जो हमारे फ्लेट वाले पोर्शन को बना रहा था और ये वाले जो बोन थे फ्लेट बोन्स थे इनका कैरेक्टर. फर्दर इसके बाद पेराइटल बोन था जो हमारा मिड सेक्शन बना रहा था. फिर इसके बाद जो ऑसिपिटल बोन था वो हमारा बैकवार्ड पोर्शन बना रहा था जिसमें हमारे पास फोरामेन भी प्रेजेंट थे जहाँ से हमारे नर्व्स जो है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड अराइज हो रहे थे. फर्दर हमारे पास टेम्पोरल बोन थे जो हमारे लेटरल पोर्शन बना रहे थे और इसके बाद सेफेनॉइड बोन थे जो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कर रहे थे टू फॉर्म द बेसल बेस ऑफ दिस क्रेनियम. फर्दर हमारे पास एथमॉइड बोन थे जो हमारे ऑर्बिट के नीचे वाले पोर्शन के बोन्स बना रहे थे. तो आज वाले वीडियो में हम दूसरा वाला सेक्शन देखेंगे स्कल का जो कि हमारा है फेशियल बोन्स. हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया है वो है स्कल के बारे में जो हमारा ब्रेन कैसे सिर्फ इसके बारे में डिस्कस किया था इसमें कितने बोन्स होते हैं. आज वाले क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये जो फेशियल स्ट्रक्चर है ये भी स्कल का एक पार्ट है. इसमें कितने बोन्स होते हैं और ये कि कहाँ वो वाले बोन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो अगर हम फेशियल बोन की बात करें तो फिर फेशियल बोन जो है 14 बोन्स होते हैं जो कि ह्यूमन फेस को बनाता है. अगर हम हमारे क्रेनियल बोन्स के साथ साथ फेशियल बोन्स को गिनेंगे तो फिर ये क्या मदद करता है कि ये जो है नज़ल कैविटी बनाने में मदद करता है. जो हमारे डिफरेंट मसल्स हैं उनको साइड ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. एज वेल एज जो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करेंगे तो फिर जो हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन की बात करें, आइज की बात करें जिसको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, सेंस ऑर्गन में हमारे पास नोज आ जाती है, नोज के इंटरनल पार्ट्स आ जाते हैं. या अगर हम अपने टेस्ट ऑर्गन की बात करें तो फिर इन ऑडिटोरी ऑर्गन्स की बात करें तो फिर इन सभी ऑर्गन्स को बचाने में प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है ये हमारे बोन्स जो हमारे क्रेनियल और फेशियल बोन मिला के. अगर हम सबसे पहले बात करें इसमें 14 बोन्स होते हैं, हमने पहले ही बताया नेजल बोन होता है. सबसे पहले अगर हम नेजल बोन की बात करें तो फिर ये 2 बोन होते हैं और ये जो है मिड सेक्शन पे फ्यूज्ड होता है. ये वाले बोन जो है मिड सेक्शन पे फ्यूज्ड होता है और जो हमारे नोज के जो है और ये फनल लाइक बोन्स होते हैं जो कि मिड सेक्शन पे तो फ्यूज होते ही होते हैं और ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि फेस को डिवाइड करता है इनटू 2 हाफ. फर्दर अगर हम बात करेंगे मैक्सिलरी बोन की तो फिर ये यहाँ पे जो मैक्सिलरी बोन है वो भी दो होते हैं और ये जो है दो बोन जो है एक दूसरे के साथ मिड सेक्शन पे फ्यूज्ड होते हैं. अगर हम मैक्सिलरी बोन की बात करें तो फिर ये जो है माउथ का रूफ पार्ट बनाता है एज वेल एज ये अपर जा को भी बनाता है और ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है और ये मैक्सिलरी बोन यही वो स्ट्रक्चर है जो कि बेस बनता है हमारे अपर जॉ के जो टीथ्स होते हैं उनके लिए एक बेस बनता है यही मैक्सिलरी बोन. फर्दर अगर हम बात करेंगे जाइगोमेटिक बोन्स के बारे में तो फिर ये जो जाइगोमेटिक बोन्स है इनको चीक बोन भी बोला जाता है. ये भी 2 इन नंबर होते हैं और ये
फेशियल पोर्शन के लेटरल लेटरल रीजन में होते हैं और ये लेटरल रीजन को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके इनके आर्टिकुलेशंस की बात करें तो फिर ये जो जाइगोमेटिक बोन है ये टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, ऑसिपिटल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, एज वेल एज आगे की तरफ ये जो है ऑर्बिटल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है और ऑर्बिटल सेक्शन को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फर्दर अगर हम मैंडिबल्स की बात करें तो फिर इन्हें जॉ बोन भी बोला जाता है और ये जो है ये जो बोन है लोअर पोर्शन पे प्रेजेंट होती है जो कि हमारे लोअर टीथ के लिए एक बेस बनाता है। फर्दर अगर हम मैंडिबल्स की बात करें तो फिर ये वही स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है जिस जो जो कि मूव करता है और जिसके मूवमेंट से हम चीव कर सकते हैं या हम अपना जो फूड जो है बॉडी के अंदर ले सकते हैं। फर्दर अगर हम इसी मैंडिबल की बात करें तो फिर ये जो मैंडिबल है पोस्टीरियरली ये टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है और यहाँ पे ये आर्टिकुलेशन इस तरीके से होता है कि वहाँ पे सुचरिंग नहीं होती है, फ्यूजन नहीं होता है दोनों बोन का, बल्कि यहाँ पे एक लॉक सिस्टम होता है जो कि इसको मूव करने में मदद करता है। दैट्स व्हाई हमारा मैंडिबल मूव करता है और हम चीव कर सकते हैं। और ये इस वाले जॉइंट को हम बोलते हैं टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। फर्दर अगर हम बोन की बात करें, लैक्रिमल बोन की बात करें, तो फिर ये जो बोन जो प्रेजेंट होती है वो हमारे ऑर्बिट के मिड सेक्शन में प्रेजेंट होती है और ये भी टू इन नंबर होती है। और ये जो लैक्रिमल बोन है ये भी आर्टिकुलेट करता है विद दिस मैक्सिलरी बोन के साथ भी ये आर्टिकुलेट करता है, एज वेल एज ये ऑर्बिटल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करता है, एज वेल एज ये पोस्टीरियरली अगर हम बात करेंगे तो फिर ये पेराइटल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट करता है। और ये जो है मीडियल पार्ट बनाता है आई सॉकेट का, आई सॉकेट के मीडियल पार्ट और बेसिक रीजन बेसल रीजन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है लैक्रिमल बोन। फर्दर अगर हम पैलेटाइन बोन की बात करें तो फिर ये वो वाले बोन है जो हमारे माउथ के जो हमारे माउथ के रूफ पार्ट बनाते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है और हमारे अलोंग विद डेट हमारी माउथ के ऊपर ही आपको पता है कि आइस ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो फिर आइस सॉकेट प्रेजेंट है, तो फिर ये आइस सॉकेट को भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये पैलेटाइन बोन। अगर हम इनके नंबर की बात करें तो फिर ये भी दो इन नंबर होते हैं और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं। और ये जो पैलेटाइन बोन है अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे तो फिर ये माउथ के वो वाला पोर्शन बना रहा है जो कि हमारा अपर पोर्शन है, रूफ पोर्शन है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये माउथ को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर्मिंग द रूफ एज वेल ये आई के सॉकेट को भी सपोर्ट करता है। अगर हम पैलेटाइन बोन की बात करें तो फिर ये आर्टिकुलेट करता है एंटीरियरली हमारे मैक्सिले के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक। फर्दर अगर हम इन्फीरियर नेजल कॉनके की बात करें तो फिर ये वो वाले बोन होते हैं जो कि हमारे नेजल जो बोन होते हैं उसके इंटीरियरली प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे रिजिस बहुत सारे रिजिस प्रेजेंट होते हैं और ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं हमारे नेजल कैविटी का, ठीक। फर्दर अगर हम लास्ट वाले बोन की बात करें, शायद ये लास्ट वाला है, अगर हम लास्ट वाले बोन की बात करें तो फिर वो वार्मर बोन है। वार्मर बोन जो प्रेजेंट होती है वो हमारे मिड सेक्शन में प्रेजेंट होती है, नोज के जस्ट नीचे ही, और ये हमारे अपर लिप्स को शेप प्रोवाइड करने में मदद करता है, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है, एज वेल एज ये जो है हमारे नोज के पोर्शन का एक नोज जो हमारा नजल पोर्शन है उसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। और जो हमारे वार्मर बोन की बात करें, ये एक सेंट्रल बोन है जो कि इन द मीडियन सेक्शन प्रेजेंट होती है ऑफ द फेस। फर्दर अगर हम समरी देखेंगे फेशियल बोन की तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके पास नजल बोन है जो आपके ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जो आपके फेशियल पोर्शन को दो हिस्सों में बांट रहा है, और हमारे पास इसके बाद लैक्रिमल बोन है जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है हमारे ऑर्बिट का, एज वेल एज यहाँ पे ये मीडियल सेक्शन बनाता है हमें हमारे ऑर्बिटल सेक्शन का। फर्दर आपके पास यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन है जो आपके लेटरल पोर्शन बना रहे हैं, यानी कि चीक को सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, चीक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर इसके बाद आपके पास पैलेटाइन बोन है जो कि अपर पोर्शन बना रहा है हमारे माउथ का। फिर इसके बाद मैक्सिला होता है ये वो वाले पोर्शन होते हैं जिस पे हमारा जो है अपर जो टीथ होते हैं उनका बेस बनाता है, और ये जो है माउथ का ऊपर वाला पोर्शन बनाता है और ये आर्टिकुलेट करता है पैलेटाइन बोन के साथ एज वेल एज आई और भी जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल बोन के साथ, इनके साथ भी ये आर्टिकुलेट करता है। फर्दर अगर हम बात करेंगे आई ऑर्बिट बना रहा है, अगर हम आई ऑर्बिट की इन जनरल बात करें तो फिर ये जो जाइगोमेटिक बोन है ये
फिर इसके बाद आपका जो आप जो हम बोल रहे हैं हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन का जो फ्रंटल बोन है, ये सब एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पे आई ऑर्बिट बना रहे हैं। फिर इसके बाद इन्फीरियर नजल कॉनके बना रहे हैं। ये क्या किस में मदद करते हैं कि ये सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करते हैं हमारे नजल कैविटी का। इसके और हमारे पास वोमर होता है जो कि मिड सेक्शन पर एक छोटा सा बोन प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद मैंडिबल होता है जो कि हमारा लोअर जा बना रहा होता है, मैक्सिले हमारा ऊपर जा बना रहा होता है और मैंडिबल हमारा लोअर जा बना रही होती है और ये आर्टिकुलेट करता है पोस्टीरियरली विद दिस टेम्पोरल बोन। और वहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चरिंग अच्छे से नहीं होता है और वहाँ पे लॉग इन की यानी कि यहाँ पे एक लॉग इन की तरह होता है और वह हमेशा वहाँ पर मूव कर सकते हैं और परमानेंटली वहाँ पर वो आर्टिकुलेट करके नहीं रखता है। एंड दिस ऑल, थैंक यू, थैंक्स लॉट।